और ये बैठे हैं लंगूर। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो गाइज आई होप का आपसे बच्चों को। तो फाइनली गाइज मैं घर से ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था, बहुत जल्दी में उठ गया था गाइज, क्योंकि मैं जल्दी आना था जल्दी आना था मुझे, इस चक्कर में जल्दी उठ कर आ गया था। तो अभी हम है गाइज बेल पड़ाव का अंदर पुल पर, और मेरे साथ हैं सुनील भाई हमारे, ये तो भाई फॉर्म में है। तो अभी गाइज हमें पुल पर, पीछे देख सकते हैं आप पहाड़ कितना औसम हो रहे हैं, और सामने खड़ी है हमारी गाड़ी जिससे हम आए हैं। सुबह 6 बजे निकल कर आए थे, जल्दीबाजी में थे, इस वजह से ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था। तो अभी गाइस पुल पे है हम, और यहाँ से जाएंगे रामनगर। रामनगर का अंदर थोड़ा घूम घाम के फिर उसके बाद देखेंगे क्या सीन है। तो पहले चलते हैं रामनगर में बैराज के पुल पर। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। गाइस ये है यहाँ की लोकेशन, ओसम, ये नदी जा रही है, खड़ी है हमारी गाड़ी, और पीछे देख सकते हैं पहाड़ की लोकेशन भी अच्छी है। ये हाईवे फाइनली गाइस अभी आ चुका हूँ मैं बैराज के पुल पर। ये है मेरे पीछे बैराज का पुल, और ये बैठे हैं लंगूर। लंगूर ही है ना, ये है लंगूर। पूंछ कितनी लंबी है यार इनके, बैठा दूसरा, और ये जा रही है नदी नीचे। फाइनली गाइस तो अभी हम आ चुके हैं रोड से नीचे उतर के, सुनील भाई और मैं आए बैराज के पानी के तालाब के पास, और पीछे है गाइस बैराज बह रहा है। तो यहाँ तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, और ये देखिए कितने मौसम भाई। गाइस ये बताना है कैसा लग रहा है, तालाब में आए। से फाइनली गाइस तो अभी हम ऐसे निकलते हैं, तो चढ़ते हैं ऊपर, ज़रा चढ़ाई है पर थोड़ी सी, तो अभी से चढ़ाई को पार करते हैं, चलते हैं ऊपर। पहाड़ वाली चढ़ाई है ये भी अच्छी। तो फिलहाल यहाँ से जाएंगे रोड पर, तमाम मज़ा आ रही है चढ़ाई पार करते हुए, आराम से आराम से। ओ भाई साहब दिहाड़ी हो गई, अबे यार कागज है। आराम से यहाँ से निकलते हैं, यहाँ चलते हैं सीधे थोड़ा आगे। तो चलते हैं यहाँ से बाइक से हम, तो अभी जाएंगे आगे, आगे की देखते हैं लोकेशन, अगर प्यारी होगी तो वहीं चल के कुछ अच्छा करेंगे। तो फाइनली गाइस तो अभी हम घूम लिए हैं, अब मैं जा रहा हूँ रामनगर से अपने घर काशीपुर। तो यहाँ से रास्ते में हूँ मैं भी बाइक पर, तो चलिए यहाँ से चलते हैं काशीपुर घर अपने। सो फाइनली गाइस तो अभी मैं रामनगर से घर आ चुका हूँ, और मैं घर पर आके काफ़ी खुश हूँ।